हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे रूडरा द एज ऑफ डार्कनेस। ये आपको हॉटस्टार स्पेशल पे देखने को मिलेगी। इसमें टोटल 6 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेके 56 मिनट के बीच में ही है। और इसमें हमें नजर आते हैं अजय देवगन, जिनकी ये पहली वेब सीरीज है। देखो, कहानी सेट है मुंबई में, जहां पर हमें नजर आते हैं DCP रुद्रवीर सिंह। शो की शुरुआत में केस सॉल्व करते हैं, लेकिन उस केस के वजह से इनको सस्पेंशन फेस करना पड़ता है। तब ऐसे में 7 महीनों बाद रुद्रवीर सिंह का सस्पेंशन फिर से रिवोक होता है। हालांकि ये परमानेंटली बल्कि टेम्पररी होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि एक ट्रिपल मर्डर होता है, क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी के साथ कुत्ता भी रहता है। तो अब ऐसे में रुद्रवीर सिंह क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। पर्टिकुलर शो को आप लोग अभय वेब सीरीज का महंगा वाला वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि अभय वेब सीरीज में आपको कुणाल खेमू देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पर अजय देवगन देखने को मिलते हैं। बाकी चीजें पूरी की पूरी सिमिलर है, वहां पर भी अलग अलग केसेस अभय सॉल्व करते हुए नजर आता है, और यहाँ पर भी रुद्र अलग अलग केसेस सॉल्व करता है। वहां पर अभय और उसकी पर्सनल लाइफ, यानी कि उसके बेटे और उसकी बीवी का एक अलग प्लॉट चलाता, और यहाँ पर भी रुद्र और उसकी वाइफ का एक अलग प्लॉट चलता है। तो काफी हद तक चीजें सिमिलर लगी, लेकिन एक चीज जो मुझे अभय में बहुत अच्छी लगी थी कि वहां पर जो केसेस थे वो रियल लाइफ से इंस्पायर थे, और वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केसेस थे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा है तो रियल लाइफ से इंस्पायर तो नहीं, हाँ फिक्शनल केसेस है, लेकिन वो फिक्शनल केसेस के आइडियाज को तो अच्छा सोचा है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। इतना ज्यादा स्लो है कि 4 एपिसोड के बाद शो में इंटरेस्ट बिल्कुल भी खत्म हो जाता है, और लिटरली 4 एपिसोड के बाद जो बाकी के 2 एपिसोड है वो सिर्फ ड्रैग किया, यानी कि वो 5th एपिसोड में भी चीजों को पूरी तरह से खत्म कर सकते थे, जिसके लिए वो लोग ने 2 एपिसोड लिए, अननेसेसरी के 2 एपिसोड लिए। यार मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा शो एक डार्क वाइब्स देता है, और मुंबई का एक डार्क साइड यहाँ पर मेकर्स ने प्रेजेंट करने की कोशिश की, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुंबई के बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन में शो को शूट किया, जो कि देखकर मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं खुद भी मुंबई का हूँ। कैरेक्टर्स की बात को तो रुद्र का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और अजय देवगन ने इससे पहले भी बहुत सारी मूवी में पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटी उनमें नजर आती थी ना, वो उसके लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, दृश्यम और सिंगम दोनों को मिक्स कर दे तो रुद्र बन जाएगा। शो में डायलॉग्स बाजी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि लूथर सीरीज के जितने भी इंग्लिश वर्जन थे उनको ही हिंदी डब में यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया। मुझे नहीं पता, मैंने लूथर सीरीज देखी नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज के डायलॉग्स मुझे अच्छे लगे। और यहाँ पर जितने इंट्रोगेशन वाले सीन्स, यानी कि अजय देवगन और जितने भी वो जिनको वो इंट्रोगेट करता है, वो सीन्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगते हैं। एक चीज जो मुझे शो की एकदम अजीब सी लग रही थी कि यार मुंबई में आज की तारीख में ऐसी कौन सी लड़की है जो एक शादीशुदा आदमी के पीछे इतने हाथ धो के पड़ जाए, और उस आदमी के लिए एक अलग ही लेवल पे उसकी दीवानगी चले जाए। ऐसा तो शायद ही मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर शो में जो राशि खन्ना का कैरेक्टर आलिया चौकसी का, वो तो मतलब ऐसा चूतिया बाबा वाला कैरेक्टर मुझे लग रहा था कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर इरिटेट हो रहा था यार, समझ के बाहर था। उसके अलावा अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करते तो अजय देवगन उन एक्टर्स में से एक है, जिनकी वॉइस, जिनका बॉडी लैंग्वेज, जिनकी आंखें बहुत कुछ कह देती है बिना कुछ बताए। तो यार उन्होंने अपने हिस्से रोल को बहुत अच्छी तरह से किया। उसके अलावा यहाँ पर अतुल कुलकर्णी ने भी अलग हटके रोल किया है। आशीष विद्यार्थी जी को देखकर स्क्रीन पर अच्छा लगा, हालांकि उनका रोल कुछ दमदार तो था नहीं, लेकिन जितना भी था अच्छा है। अश्विनी जी ने अपना काम बहुत अच्छी तरह से निभाया, एंड राशि खन्ना ने जो भी किया जैसा भी किया वो आप लोग खुद देख लेना। और अगर ईशा देओल की बात करो तो वो भी इस पर्टिकुलर शो में तो थी, लेकिन वो बस थी यार, उसकी जगह कोई दूसरी भी होती तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि शो उन लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगेगा जो अजय देवगन सर के बहुत बड़े फैन हैं, और उन लोगों को और भी अच्छा लगेगा जिन लोगों ने अभय वेब सीरीज नहीं देखी है, तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने अभय वेब सीरीज देखी हो तो मैं इतना कहूंगा कि अभय वेब सीरीज इससे ज्यादा बेटर है, बट इसमें एक बड़ा स्टार देखने को मिलता है जो आपको वहां देखने नहीं मिला था, और इसमें चीजों को और भी मॉडर्नाइज तरीके से प्रेजेंट किया जो आपको वहां पर देखने को नहीं मिला था। तो अब आप लोग खुद डिसाइड करो, मेरे हिसाब से तो ये एक एवरेज वेब सीरीज है जिसका सीजन 2 आएगा, और अगर सीजन 2 आता है तो उसके एपिसोड्स की लेंथ कम होना चाहिए, और वो जो केसेस है वो उसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग में प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि ऑडियंस को देखकर मजा आए। गाइडेंस में इतना बोलूंगा, शो में अश्लील नहीं, किसिंग विसिंग तो कुछ नहीं है, बट हाँ बैड वर्ड्स बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलते हैं, इनफैक्ट हर एक एपिसोड में सुनने को मिलेगा। तो यार थोड़ा ध्यान दे देना, मैं इस पर्टिकुलर शो को रेटिंग दूंगा 6/10। तो यार बस ये तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, तो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोग की मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।